बिहार के सुपौल से सांसद दिलेश्वर कामत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप पहली बार सांसद बन के आए हैं, क्या प्राथमिकताएं होंगी? कोसी के इलाके से आते हैं, बाढ़ और सूखा दोनों एक तरह से दोनों पर्यायवाची उस इलाके को लेकर, बहुत सारी गरीबी भी है, क्या प्राथमिकताएं होंगी आपको लोकसभा को लेकर? देखिए, सुपौल जो है एक कोसी क्षेत्र सही है और ये बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और पिछड़ा होने का कारण है जो बार बार कोसी आती है, कोसी नदी का पानी आता है तो और बीच में सूखा भी होता है। तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है उस क्षेत्र को रेलवे परियोजना से जोड़ना, क्योंकि 2008 में जो बांध कोसी बांध टूटा था जिसमें कि आपको पूरा क्षेत्र का जो रेल जो लाइन थी वो सारा डिस्टर्ब हो गया और उस टाइम से 2008 से लेकर आज तक वह रेल लाइन चालू नहीं हुआ। 11 साल हो गए, उस वक्त जो रेल लाइन टूटी थी अब तक जुड़ी नहीं है, अभी तक जुड़ा नहीं है और यह पहली प्राथमिकता मेरी रहेगी जो सहरसा से लेकर फारबिसगंज जो है रेल लाइन को जोड़ना। और दूसरा, उस क्षेत्र के विकास के लिए मेरी प्राथमिकता रहेगी सहरसा से गलगलिया रेल परियोजना को चालू करके, क्योंकि वो भी सेंक्शन हो चुका है। माननीय मंत्री जो रेल मंत्री है उनसे, हमारे जो सुपौल के मंत्री है जिसको विश्वकर्मा कहते हैं, बहुत विकास पुरुष आदरणीय श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी हैं, उनसे कई बार मिल करके वो जो है उस परियोजना को चालू करने के लिए उन्होंने फंड का प्रावधान किया है। तो दूसरी में मेरी प्राथमिकता रहेगी जो सुपौल से ले करके गलगलिया जो है रेल परियोजना को चालू करना, और जब हमारा यह सहरसा से फारबिसगंज और सुपौल से गलगलिया रेल लाइन हो जाएगा तो उस क्षेत्र में बहुत विकास होगा, क्योंकि काफ़ी मकई की खेती होती है, बांस होता है उस क्षेत्र में, जो है कृषि का भी विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा, यही मेरी पहली प्राथमिकता। इसके अलावा बिहार के नॉर्थ बिहार के हिस्से में जिस तरीके से चमकी बीमारी आई है, सैकड़ों बच्चों की मौत हो गई, आपको लगता है कि स्वास्थ्य के भी क्षेत्र में बिहार में बहुत कुछ करना अभी बाकी है? देखिए, काम तो का तो इंड नहीं है, वो तो इंडलेस है काम, लेकिन जहाँ तक स्वास्थ्य की समस्या है, बिहार में कई मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं और अभी वो ऐसी समस्या नहीं है। तो ये तो कभी कभी आकस्मिक कुछ बीमारियाँ जो होती है उसको कौन रोक सकता है, वो तो लोगों के हाथ के बाहर की बात है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग में भी काफ़ी प्रगति हुई है और उसकी भी व्यवस्था है, और ख़ास करके सुपौल जिला में तो हमारे माननीय मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी ने 300 बेड का हॉस्पिटल सुपौल में किया है, 300 का त्रिवेणीगंज में किया है और सारे जगह डॉक्टरों की व्यवस्था भी हो रही है और सुधार काफ़ी हुआ है। रेलवे नेटवर्क पे काम करना आप कह रहे हैं कि आपकी प्राथमिकता होगी? जी हाँ, मैं भी रेलवे विभाग में एक पदाधिकारी था, इसलिए मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो मैं इस विभाग के बातों को भी जानता हूँ और इसको जल्द से जल्द मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि बहुत लोग मेरे जाने सुने जनरल मैनेजर है, रेलवे बोर्ड में है। परसों भी मैंने रेलवे मिनिस्टर से टेलीफोन पर बात की और उनको मैंने रिक्वेस्ट किया जो आप देखिए इस क्षेत्र के लिए इस बजट में आप अधिक से अधिक फंड का प्रोविजन कीजिए, जिससे कि चलते जो है क्षेत्र में काम अवरुद्ध नहीं हो। और बिहार जाने वाली ट्रेनें बहुत भीड़ जाती हैं, तो आप चाहेंगे कि कोई विशेष ट्रेन भी उधर से दिल्ली के लिए और खासकर देश के बड़ा महानगरों के लिए किया जाए? उसके लिए हम लोग प्रयासरत है। चलिए, धन्यवाद। बिहार के लिए और खासकर रेलवे के नेटवर्क पे इनका इलाका आए और जो पुरानी रेलवे लाइन टूट चुकी है उसको फिर से जोड़ा जाए, इसको लेकर प्रयासरत रहेंगे। अपने कैमरा से मस्तान के साथ कुंदन सिंह, न्यूज 24 दिल्ली।